हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 9 के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 9 जो है वो क्या बताता है, किस चीज़ के बारे में बताया गया है इसमें उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने आर्टिकल 5, 6, 7, 8 कवर कर लिया जो नागरिकता से रिलेटेड है, किस तरह से हम किसी पर्सन को भारत की नागरिकता दे सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना है। आर्टिकल 9 जो रिलेटेड है वो बेसिकली रिलेटेड है किस तरह से अगर कोई पर्सन जो है उसकी नागरिकता कैसे छीन ली जाएगी या उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, भारत की नागरिकता जो उसके पास है उसके बारे में आर्टिकल 9 में बताया गया है। तो बेसिकली अगर कोई पर्सन है वो बेसिकली कोई फॉरेन स्टेट की नागरिकता उसने एक्वायर कर लिया है यानी अर्जित कर लिया है यानी हासिल कर लिया है, तो उस केस में अनुच्छेद 9 में जिक्र किया गया कि उस केस में अगर कोई पर्सन जो है भारत के नागरिकता रहते हुए कोई फॉरेन में जा करके उस कंट्री का नागरिक बन गया है, नागरिकता ले लिया है, तो उस केस में उसकी नागरिकता जो भारत की होगी वो उसकी ख़त्म हो जाएगी, उसकी समाप्त हो जाएगी। तो नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़ वॉलेंट्रली एक्वायर्ड द सिटीजन ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से यानी अपने मन से अपने से जो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। सपोज के लिए कोई ए पर्सन है, ठीक है, वो पहले भारत का नागरिक था, अब वो कल को डेट में जा करके USA में बस गया, वहाँ पे उसको अच्छा लगने लगा और उसने वहाँ पे सिटीजनशिप को लेकर के अप्लाई कर दिया, वहाँ की नागरिकता उसको मिल गई। उस केस में यहाँ की जो नागरिकता होगी उसकी ऑटोमेटिकली आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे अनुच्छेद 9 में बताया गया है। आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर हुआ होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।